नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार भगवान शनिदेव को समर्पित है, शनिवार भैरव जी को भी समर्पित है। शनिदेव महाराज हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहते हैं कि शनिदेव उन पर कृपा बरसाए, क्योंकि शनिदेव ने आज तक हमने जीवन में देखे जिनके ऊपर थोड़ी सी भी कृपा बरसा दिए हैं, आज रंग व्यक्ति भी राजा बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं शनिदेव की आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएं, आपके ऊपर कृपा बरसाएं, तो छोटे से छोटे सरल आसान आज मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूं। जिन उपाय से अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो मित्रों यकीनन माने 7 जन्म तक आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा अन्न धन से भरे रहेंगे। शनिदेव थोड़े से पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि लोग बोलते हैं कि शनिदेव का हृदय कठोर है, लेकिन हमें पता है मित्रों वो बाहर से जितना कठोर दिखते हैं अंदर से बहुत ही कोमल है। अगर आप भी शनिदेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना, और आज मैं आप लोगों को शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को जरूर करना। सबसे पहले तो जानते हैं कि शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, फिर उपाय बताऊंगा। तो शनिवार के दिन औजार खरीद करके घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए। हल्दी भी घर में शनिवार के दिन खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो हल्दी होता है ये भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। सूर्य नारायण और जो शनि एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, आज के दिन जुए नहीं खेलना चाहिए और नाखून बाल वगैरह भी नहीं काटना चाहिए। आइए जानते हैं शनिवार के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे पूरा घर अंधन से भरे रहें। तो काले कपड़े के छोटे से टुकड़े आप जो है शनिदेव के श्री चरणों में समर्पित करके इसे पर्स में रखें, इसे आपके हमेशा जो पर्स हैं अन्न धन से भरे रहेंगे। काले कपड़े की पोटली बनाकर इस पर कोयला बांधें और इसे पीपल वृक्ष पर थोड़ा सा टच करके, यानी कि स्पर्श करा करके या शनि मूर्ति पर स्पर्श करा करके आपको क्या करना है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। मित्रों यकीनन माने आपको अचानक धन की प्राप्ति होगा, आपके जीवन में जो बाधा चल रही सारे बाधा समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों के माने तो शनिवार के दिन काले जूते ब्राह्मण या बुजुर्ग को दान करने से अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है शनिवार के दिन काले जूता दान करेंगे ब्राह्मण या बुजुर्ग को, निश्चित रूप से 1 सप्ताह के भीतर में वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। काले तिल के लड्डू बनाकर के गाय को खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। सरसों तेल का दीपक शाम के समय शमी वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे जलाने से भी कहा जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो लोग शनिदेव को मानते हैं शनिवार के दिन छाया दान जरूर करें। जी हाँ मित्रों, छाया दान जरूर करें। छाया दान से शनिदेव महाराज इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि छाया शनि माँ की शनिदेव की माँ है, और छाया दान करने से इसे मनोकामना शनिदेव महाराज तत्काल ही पूर्ण करते, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शनिदेव को कृष्ण भी कहा जाता है और ये भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। तो आप चाहते हो तो शनिदेव को मोरपंख भी समर्पित कर सकते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काले कलर की धागे को 7 गांठ बांध करके शनिदेव के चरण में स्पर्श करा दीजिए, फिर आपको इसे पहन लेना है। तो ये जो धागे हैं 7 प्रकार के आपको धन प्रदान करेंगे। वो 7 प्रकार के क्या धन है कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। शनिवार को अगर आप मानते शनिदेव को तो जरूर यह उपाय अवश्य करना, आपकी किस्मत बदलते देरी नहीं लगेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।